नमस्ते दोस्तों एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मुझे व्लॉग सडनली शुरू करना पड़ रहा है क्योंकि मैं और मेरी दोस्त जा रहे हैं श्रीकोट। जैसे कि हमारी छोटी बहन अंकिता का पार्थिव शरीर को श्रीकोट लाया गया कल रात को, और मैं कभी भी प्रोटेस्ट करने नहीं जाती हूँ, लेकिन आज मुझे जाना पड़ा क्योंकि बात एक औरत की है। तो मैं और मेरी दोस्त श्रीकोट जा रहे हैं, और आप देख सकते हैं पूरा श्रीनगर श्रीकोट पूरा बंद है, पूरा बद्रीनाथ हाईवे को जाम किया गया है। इस वजह से यात्रियों को भी काफी दिक्कत हो रही है। श्रीकोट और हमें जाना है अभी बहुत ही ज्यादा दूर, और हम जा रहे हैं पैदल। श्रीकोट हॉस्पिटल से हमने अपना रास्ता पैदल तय किया है। ये देखिए कितनी सारी गाड़ियां हैं, यहाँ पे लाइन लगी हुई है। ओ माय गॉड, ये देखिए कितनी ज़्यादा भीड़ लगी हुई है, कितनी ज़्यादा संख्या में लोग अंकिता को न्याय दिलाने के लिए यहाँ पहुँचे हुए हैं। आप देख सकते हैं पहले ही अग्रवाल के बगल में है, देखिए सामने जो आपको बिल्डिंग दिखाई दे रही है वही अंकिता का पार्थिव शरीर को रखा गया है, वो शव ग्रह है, तो वही अंकिता का पार्थिव शरीर है। देखिए बात थोड़ी सी बुरी है लेकिन सच्ची है। बहुत सारी लेडीजों को देखा है जो कि प्रचार के टाइम पे, चुनाव के टाइम पे नेताओं के आगे पीछे, नेताओं की रैलियों में घूमती हैं क्योंकि उस टाइम उन्हें पैसे दिए जाते हैं। और आज बहुत सारी औरतें ऐसी हैं जो घर में बैठ के पोस्ट शेयर कर रही हैं। तो घर पर बैठ के पोस्ट शेयर करने से कुछ नहीं होगा, हमें रोड पर आना पड़ेगा, हमें सड़कों पर आना पड़ेगा। अगर आज हमने पुलकित आर्य जैसे लोगों को फांसी पे नहीं चढ़ाया तो कल ना जाने हजारों पुलकित आर्य जन्मेंगे और हम और पहाड़ की जितनी भी औरतें हैं उनके साथ ऐसे ही दुर्व्यवहार होगा। बलात्कारियों को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, बलात्कारियों को फांसी दो, फांसी दो, बलात्कारियों को फांसी दो। यहाँ पे अंकिता के पापा बोल रहे हैं कि आप हाईवे को जाम मत कीजिए क्योंकि यात्रियों को आने जाने में काफ़ी दिक्कत हो रही है, लेकिन लोगों में इतना गुस्सा है कि लोग बिल्कुल भी सुनने को तैयार नहीं है। लोगों का सिर्फ ये कहना है कि अंकिता के दोषियों को फांसी दो। उसके मौसम जो पांच लोग थे वो सब वहीं पर पूरे पास के पास इतना भी मौसम ऊपर नीचे होने का चांस नहीं होता है, और ये बात की कोई नहीं होता है, ये सब पढ़ेंगे ये तो कि हम पूरा पत्ता ले रहे हैं और जहां तक आप मौसम रिपोर्ट की बात करें आप सारे लोग पढ़े लिखे लोग वो एक जनरल डॉक्यूमेंट प्रोटेस्ट की वजह से काफ़ी यात्रियों को दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। आप वहाँ देख सकते हैं बहुत ही लंबी लाइन भी जा रहे हैं घर, क्योंकि हम सुबह से यहाँ पे थे और
हमने काफ़ी हद तक जितना हमसे हो सका हमने प्रोटेस्ट किया ना, चिल्लाए मतलब, और अभी भी वहाँ पे काफ़ी भीड़ है और भीड़ तब तक बनी रहेगी जब तक अंकिता को इंसाफ नहीं मिलेगा।